वहीं पहलवानों के धरना स्थल से बड़ी खबर, बृजभूषण पर केस दर्ज होते ही धरना स्थल की बिजली काट दी गई है। बजरंग का कहना है कि हम न्याय न मिलने तक धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे, जंतर मंतर पर ही अब हमारा घर है, ये कहना है बजरंग पुनिया का। तो पहलवान जो कि धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जैसे ही बृजभूषण पर केस दर्ज हुआ उसके बाद धरना स्थल की बिजली काट दी गई, लेकिन पहलवानों के हौसले बिजली काटने के बाद भी पस्त नहीं हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे, जंतर मंतर पर ही अब उनका घर है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे, इसी तरह इसी जगह। तो पहलवान धरना स्थल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इधर जैसे ही केस दर्ज हुआ है बृजभूषण शरण पर धरना स्थल की बिजली काट दी गई है। बावजूद इसके जो खिलाड़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर अब उनका घर है और वो यहां से नहीं हटेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल की रोशनी में बैठकर यहां पर खाना खा रहे हैं खिलाड़ी, क्योंकि धरना स्थल की बिजली काट दी गई है, लेकिन पहलवानों ने साफ कह दिया है चाहे जो भी हो वो यहां से नहीं हटेंगे। अत्याचार कर लो ना, यू आंदोलन तो नहीं चला, जब न्याय ना मिल जाता और उन तेन बुझ लो पुलिस साल अगर आप लोग अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सब कैसा बृजभूषण, मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है जो उसकी हरकत जो हो रही है। खिलाड़ियों की गल्ला पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, ये दो बड़े अहम डेवलपमेंट्स, एक तरफ बृजभूषण शरण पर FIR का दर्ज होना, दूसरा पहलवानों के धरना स्थल से जो हम खबर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बृजभूषण शरण की बात करते हैं, किस हद तक बृजभूषण शरण की हम कह सकते हैं कि मुश्किलें अब बढ़ गई हैं जब ये दो FIR उनके ऊपर दर्ज हो गई हैं। फिलहाल तो मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है बृजभूषण की, क्योंकि दो FIR दर्ज हो गई है और 7 महिला पहलवानों की तरफ से शिकायत दी गई थी यौन शोषण के मामले में। और मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक दो में से एक FIR जो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है उसमें धाराएं जो है पॉक्सो एक्ट की लगी है, और क्योंकि एक माइनर पीड़िता की तरफ से भी शिकायत दी गई थी यौन शोषण के आरोप की, तो उसके तहत ये पॉक्सो के तहत ये यहाँ पे FIR हुई है। बाकी जो दूसरी FIR है वो जो अन्य महिला पहलवानों की जो शिकायत दी गई थी उसके आधार पर दर्ज हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे मुश्किलें जरूर यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। गिरफ्तारी भी हो सकती है बृजभूषण शरण की? देखिए पुलिस अभी, चूंकि पुलिस का कहना है कि दो FIR दर्ज हो गई है शिकायत के आधार पे, अब उसके आधार पे जांच हो रही है, आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है। और अभी चूंकि पुलिस की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि कानूनी कार्रवाई आगे की जा रही है, तो देखना है कि कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है बृजभूषण, कब पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर अभी जांच करेगी और उसके बाद कुछ भी तरह का एक्शन लेगी। फिलहाल पुलिस ने ये जरूर कह दिया है कि वो FIR दर्ज कर चुकी है, दो FIR दर्ज हुई है और उसके आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है। बिल्कुल ठीक है विनय। और अगर पहलवानों की बात करें तो जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी वो थी FIR दर्ज करने की, लेकिन अब FIR दर्ज हो गई है, पहलवान धरना स्थल नहीं छोड़ना चाहते, इसकी क्या वजह है? और ये जो बिजली काटने का मामला हुआ है ये क्या है? पहलवानों ने का कहना है कि वो सख्त कार्रवाई चाहते हैं, उनका कहना है कि FIR तो वो चाहते ही थे, साथ ही साथ बृजभूषण की गिरफ्तारी भी चाहते हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो यहीं धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, क्योंकि पहलवानों के मुताबिक पहले से ही कई आरोप हैं, कई अलग अलग जो शिकायतें हैं बृजभूषण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्शन उन शिकायतों पर नहीं हुआ है। तो ऐसे में पहलवानों का कहना है कि इसकी क्या गारंटी है कि अभी जब FIR हो गई है तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो पहलवान है वो चाहते हैं कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो धरने पे ही बैठे रहेंगे। उनका कहना है कि FIR उनकी एक जीत है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी, जो बृजभूषण की गिरफ्तारी है वो उनकी मुख्य मांग है। बिल्कुल, लेकिन बिजली क्यों काटी गई बने? देखिए दिल्ली पुलिस की ये जो पहलवान है बजरंग पुनिया, इनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि बिजली काट दी गई है, और अभी चूंकि इसके पीछे कोई कारण जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से या NDMC जो कि परमिशन देती है बैठने की उसकी तरफ से नहीं आया है,
बजरंग पूनिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई चूंकि रात को उन्होंने वहां पे अपने बिस्तर लगाने के लिए कई पलंग और तख्त मंगाए थे, वो भी नहीं आने दे रहे हैं। और चूंकि ये धरना स्थल है और अभी इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मना कर दिया है किसी भी तरह का तख्त और अन्य बिस्तर अंदर लाने के लिए, लेकिन बिजली काटने का जो कारण है वो NDMC या दिल्ली पुलिस की तरफ से आज हो सकता है कि साफ किया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए विनय सिंह।